फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र में एक युवती के अपहरण के मामले में पुलिस ने एक युवक को करीब एक महीने तक थाने में बैठा कर रखा। साथ ही उसे पुलिस लगातार थर्ड डिग्री देती रही। वहीं अचानक युवक थाने से लापता हो गया। परिजनों की माने तो पुलिस ने उसके बेटे को पीट पीट कर मार डाला और लाश को कहीं गायब कर दिया। युवक की माँ न्याय की गुहार लेकर लगातार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर लगा रही है। 2 दिसंबर को हमारे लड़का को पुलिस उठा ले गई और हम थाने गए, थाना ले गए और एक महीने से हम बरोबर जा रहे थे और फिर बाद में हम गए देखे तो मेरा लड़का मिला और बहुत सुख बार गए थाना लेके लड़का मेरा नहीं मिला। उनको भगा दिया, कहला जाते हो कि यहाँ बेवाल बनाने आई, तुम्हारा लड़का यहाँ नहीं, 5-6 दिन के नहीं। क्या लगता मारा होगा? हाँ मारा था, हाथ पैर टूट गए थे और पैर भी टूट गया रहा, कमर भी टूट गया, रुकी के साथ में ईटा बांध को लटकाया था, पेटे पे हिचका था। तो हम फिर गए, हमका मिला नहीं बच्चों, मेरा हमका रफ्तार दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या लगता है आपको? हमका लगता है कि उन्होंने मार को कहीं झिक दिया। उन्नाव में फतेहपुर चौरासी थाने से पुलिस अभिरक्षा से युवक हुआ लापता। एक युवती के अपहरण के मामले में पुलिस ने दलित युवक को न सिर्फ एक महीने तक थाने पर बैठाए रखा बल्कि उसको लगातार थर्ड डिग्री देकर टॉर्चर करती रही। वहीं परिजनों का आरोप है कि उसके बेटे को पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला और उसके बाद लाश को कहीं गायब कर दिया। हैरत की बात तो यह है कि परिजन लगातार आला अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने के बजाय आला अधिकारी अपने ही पुलिस के बचाव में उतर आए हैं और इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। उन्नाव से वीरेंद्र यादव, ईटीवी।